वगैरह बनाने होते हैं, तो इस वजह से जो है व्लॉग अच्छा हो सके, इस वजह से आपका हुडी वगैरह पहनता है। इतनी ठंड है नहीं कराची में, अभी भी हाफ स्लीव में खड़ा हुआ हूँ। सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार, आपके मैंने सोचा है फिटनेस पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, लेकिन फिटनेस पे वर्क करने से पहले मुझे ख्याल है कि फिटनेस पे वर्क करने से पहले आपको जिम जाना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब तक आप बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन मशीन से नहीं करोगे, उतनी जल्दी आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकती। सीन्स ये हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करा, नाश्ते के बाद हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मॉर्निंग वगैरह हो गई, अभी भी सोकर उठा हूँ यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अभी मैं काफ़ी लेट उठा हूँ भाई, आगे भी सोच रही है यार, ये वाली आँख मेरी सोच रही है। और अभी मुझे मार्ट भी जाना है और भी काफ़ी सारे काम है, तो फिलहाल ये फटाफट सबसे पहले जो है नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। नाश्ते के बाद देखते हैं किसी क्या है। नाश्ता वगैरह लग गया, चाय वगैरह बना ली है और साथ में आई दो रोटी, तो फटाफट उठ के बढ़ता है नाश्ता। नाश्ते के बाद बाकी किसी बताता हूँ क्या है। हम लोग ग्राउंड में निकले व्लॉग बनाते हुए। सो यार, फाइनली सीन ये है कि यार रास्ता वगैरह कर लिया था, अभी घर से निकले मार्ट वगैरह जाने के लिए। सीन ये है, सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी बस जस्ट घर से निकला हूँ, रेडी वगैरह हो गया। घर में इसलिए नहीं बनाया, पहले लाइट गई हुई, शोर शराबा होगा, इस वजह से बाहर निकल के व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मार्ट के लिए, वहाँ पर व्लॉग वगैरह बनाया। तो यार फाइनली घर वगैरह से तो निकल चुका हूँ, लेकिन सीन ये है कि यार आज से आपके मैंने सोचा है कि अपनी फिटनेस पर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। तो जो है सुनने में आया है कि केला जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन देता है आपको, तो मैंने तो ये सोचा है कि यार आते हुए केले वगैरह लेते हुए आएंगे। उल्टी सीधी चीज़ें खाना आप अवॉइड करेंगे और अपने फिटनेस पे ध्यान देंगे, और दो तीन दिन के अंदर अंदर कहीं जिम ज्वाइन करेंगे और फिर जिम वगैरह जाके अपनी बॉडी वगैरह को फिट करेंगे, अपनी बॉडी वगैरह बनाएंगे, जो भी हमसे हो सकता है वो करेंगे। वापसी में जैसे कि आप लोगों को पता था कि यार मैं केले वगैरह लेके वो शेक वगैरह बनाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। उसकी वजह ये थी कि मैंने बोला यार जब जिम जाना शुरू करेंगे, जब से करेंगे, तो मैंने समोसे वगैरह लेने थे, मेरा कज़न जो मुझसे उसको भी देने थे और अपने भी लेकर आने थे, तो आपके मैंने समोसे लिए, उसके उसको दिए, अपने लेके आपका भाई आ गया घर पर। घर पर आए, चाय वगैरह रेडी करी, पहले घर वगैरह आके फ्रेश हो चुके हैं, बस सीधे से यहाँ के चाय वगैरह बना रखी है। चाय दिखाता हूँ भैया से क्या सीन, ये देख रहो इस तरीके से चाय रेडी हो रही है, ये चेक करो आप, ये अभी चाय रेडी हो रही है। कैमरा बिल्कुल हिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम एक्स करा हुआ मैंने। कोई फ्रेश वगैरह हो गए, अब चाय वगैरह निकालते हैं और बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और फिर जो है आप लोग भाई ने समोसे और चाय के बैठ के खाया, यानी खूब अपने। सो यार फाइनली जो घर वगैरह आ गए और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार अभी जो चाय वगैरह को करा बिल्कुल रेडी वगैरह, और दूसरे सीन्स वगैरह ये हैं कि यार अभी जो है बिल्कुल फ्रेश वगैरह वगैरह कभी रेडी वगैरह हुआ है। तो बाकी सीन्स ये हैं कि यार अभी जो चाय वगैरह रेडी करिए, तो आप ट्राईपॉड से मोबाइल को हटा देंगे, वे थंबनेल के लिए सब पिक्चर्स वगैरह एडिट करने के लिए ले ली थी, तो अभी ट्राईपॉड हटाते हैं, बाकी मैं बाकी सीन्स बताता हूँ। फाइनली सीन्स ये है कि चाय वगैरह रेडी कर ली थी और काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। अभी खाने में मैं लेकर आया था समोसे मनामा बेकरी से, जो कि आप लोगों ने व्लॉग पहले देख चुके हैं, यानी पहले से मतलब है कि पहले पार्ट आप लोग देख चुके हैं और पहले इन्जॉय कर चुके हैं सारी चीज़ें। मनामा बेकरी पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रोल समोसे वगैरह, ये एक बेकरी है लेकिन एक समोसे वगैरह यहाँ सब ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। बेकरी पर सब चीज़ें वैसे भी मिलती हैं, लेकिन बहुत सी बेकरियाँ होती हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं भी मिलती, और ऐसी पता नहीं कुछ बेकरियाँ हैं, वो बेकरियाँ नहीं होती हैं असल में, वो एक टाइप जनरल स्टोर्स होते हैं। तो खैर जो है हमने फिलहाल मनामा से ले लिए थे समोसे, और मुझे अपने कज़न को भी देने थे तो उसके भी लिए थे और अपने भी लिए थे, तो आप उसको दे दिए, अपने ले लिए, अपने घर लेकर आ गया। फिर मैंने बोला यार चाय वगैरह बनाए, डबल रोटी बनना नाराज़ हो जाएगी यार मुझे नहीं खा रहे, डबल रोटी जब नाराज़ हो जाती है ना तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर बासी हो जाती है, बासी करने से बेहतर है कि बंदा मुँह में डाल ले अपने डबल रोटी मुँह में डाल ले, सही है हम लोग पता नहीं किस बात पर। तो फिलहाल ये है कि फटाफट चुस्कियाँ ले लेके पीते हैं चाय और खाते हैं डबल रोटी और खाते हैं समोसे, और फिर बाकी आगे की सीन बता रहा हूँ। आगे की सीन में तुम लोगों को मौसम के हाल बताता हूँ, अभी मौसम कैसा हो रहा है। स्नैक्स को मैंने बैठ के सुकून से इंजॉय वगैरह करा, क्योंकि यार स्नैक्स जो है ना ये इंजॉय करने के लिए बनाए गए। उसके बाद जो आपके मैंने मौसम देखा, मौसम बड़ा वी आई पी हो रहा है, बाहर का सेक्सी सा हो रहा है फुल,
ऐसा लग रहा बारिश वगैरह होगी, सर्दियों में बारिश हो जाए क्या ही बात है, क्योंकि कराची में वैसे भी ठंड तो जो है एंड में ही पड़ती है, फरवरी की 29 तारीख को पड़ रही है, क्योंकि वो 4 साल में एक दफ़ा आती है, उसी दिन ठंड बढ़ती है, उसके अलावा तो ठंड वगैरह है नहीं कराची में इतनी कोई खास। तो हुडिया वगैरह तो आपको वगैरह बनाने होते हैं, तो इस वजह से जो है ब्लॉग अच्छा हो सके, इस वजह से आपका भी हुडी वगैरह पहनता है, इतनी ठंड है नहीं कराची में, अभी भी हाफ स्लीव में खड़ा हुआ हूँ बाहर। तो ये है कि इतनी ठंड है नहीं कोई कराची की खास, क्योंकि ख़ास ठंड होती है ना कि बंदा घर में भी जो है अपर वगैरह पहना हुआ है, वैसे भी जैकेट वगैरह पहना हुआ है, तो ऐसी कोई ठंड है नहीं। तो हवा तो चल रही है लेकिन इतनी कोई ख़ास हवा नहीं है, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है और इस मौसम में चाय के मज़े लेने की बात ही कुछ और है। ये भी से मतलब है मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था, क्योंकि यार बारिश वाला मौसम हो रहा था, मैं समझ रहा था कि बारिश होगी लेकिन बारिश हुई नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जो है उजैफा आया और मैं उजैफा के साथ जो है थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, बाहर चला गया था। उसके बाद मेरी ये चीज़ जो है ना, ये पूरी ये चीज़ जो है ना, ये पूरी पेन कर रही है, और अभी इतनी पेन कर रही है कि मैं अपना हाथ यहाँ से ऊपर नहीं उठा रहा, और उसके बावजूद भी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। ये मैं ही जानता हूँ मैं किस तरीके से ब्लॉग कर रहा हूँ, और ये मैं ही सिर्फ सोच सकता हूँ, ये मैं ही ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है, मुझे जॉब भी करनी है, और मेरे से गर्दन, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरी गर्दन टेढ़ी हो रही है, ये टेढ़ी नहीं हो रही, दर्द की वजह से ऐसी हो रही है। अगर मैं यूँ कर रहा हूँ ना, ये ऐसा पेन कर रहा है मेरे को, मैं तुम लोगों को बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मैं ब्लॉगिंग नहीं छोड़ रहा। ये चीज़ देखो, ये चीज़ जो है ना, ये मेरी बहुत पेन कर रही है इस टाइम पे। मैं अपना हाथ यहाँ से ऊपर मूव नहीं कर पा रहा हूँ, अपना हाथ सीधा चला नहीं पा रहा, यानी ये जो है ना, ये इससे ऊपर अगर मैं लेके जाऊँगा ना तो मेरे दर्द छूट जाएगा, ऐसा पेन हो रहा है। तो फिलहाल फिर मैं वहाँ से आके सो गया था, क्योंकि मैं मार्ट भी नहीं गया कल रात में, बहुत ज़्यादा पेन था और अभी उससे ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे, बस इस वजह से जो है मैं कल मार्ट भी नहीं गया। फिलहाल चीज़ ये है कि यार सपोर्ट करो, सपोर्ट सपोर्ट करो। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो, बहुत पेन है यार, नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं क्या सीन रहता है।